मास फ्रेम की बात क्यों कर रहे हैं, मैं समझाऊंगा आखिर क्या होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम वो फ्रेम होता है जो कि इस दोनों मास के सेंटर ऑफ मास पे बैठने के बाद हमें मिले, यानी कि इनके मास का मान लो m1 m2 का सेंटर ऑफ मास मान लो कहीं यहां पे है। इस फ्रेम पे अगर कोई बैठ के सब दुनिया को देखे, यहां सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर ये दुनिया को देखे, दैट फ्रेम इज कंसीडर्ड एज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। आखिर इस फ्रेम का इतना इंपॉर्टेंस क्यों, क्यों पढ़ते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम, चलिए आज इसकी बात करते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत चीज होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। आओ बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात की बताओ कि मान लेते हैं हम दोनों के बीच की दूरी डी है, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं डी दूरी है। अब मैं पूछूं कि यार सेंटर ऑफ मास में मैं बैठा हुआ हूं, इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2, हम दो चीज कैलकुलेट करेंगे। एक कैलकुलेट क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ के पूरे सिस्टम का मोमेंटम, दूसरा सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, दो चीज कैलकुलेट करेंगे। क्यों करेंगे कैलकुलेट, तुम्हें भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे हम बैठे हुए हैं, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की बात करोगे तो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब सेंटर ऑफ मास vcom से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मैंने m1 को देखा, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मैंने m1 को देखा, तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी v1 माइनस vcom। उसी तरह से सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मैंने m2 को देखा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज v2 माइनस vcom। हमने इसको माइनस किया, आओ करके देख लेते, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, टाइम लगेगा, बट चलो ठीक है। जैसे तुम यहां से v1 को vcom से माइनस करोगे, जरा देखना गौर से, मेरे कैलकुलेशन पे बिल्कुल भरोसा मत करना, कैलकुलेशन मिस्टेक में बहुत करता हूं। यह आ गया v1 माइनस vcom, इसकी बात करें तो यह आ गया v2 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करते हैं, देखो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v1 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2, तो ये मेरा शायद कुछ ऐसा आ जाएगा m2 v1 माइनस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, देख लेना कैलकुलेशन चेक करना। सिमिलरली जब मैं ये निकालूंगा, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जब मैं इसकी कैलकुलेशन की बात करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, देखना m1 v2 माइनस प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2, तो m2 v2 तो गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 v2 माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसमें काम करो, दोनों इक्वेशन में अगर तुम गौर से देखो तो मैं बात करता हूं मोमेंटम ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ मास वन, तो यह आ जाएगा m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में अगर मैंने m1 का मल्टीप्लाई किया, जब देखना गौर से, वहां से m2 कॉमन ले लो, m2 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू अंदर में क्या आया v1 माइनस v2। सिमिलरली मोमेंटम ऑफ टू with respect to center of mass, यानी कि m2 into velocity of 2 with respect to center of mass, just calculation तुम करो m2 into ये, यहां से काम करो m1 common ले लो, और m1 के साथ साथ एक minus sign भी common ले लो, m1 के साथ साथ एक minus sign भी common ले लो, तो अंदर में क्या आ गया v1 minus v2 divided by m1 plus m2, ये तो मोमेंटम ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मैं बात कर रहा हूं मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी मोमेंटम ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस मोमेंटम ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अगर तुम ऐसा करोगे माइनस m1 m2 प्लस m1 m2, बाकी टर्म सेम, दोनों को जोड़ा शून्य जीरो,
क्या समझ में आया? सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के पूरे सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जीरो होगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के पूरे सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जीरो होगा। यानी कि अगर सेंटर ऑफ मास, मेरी बात सुनना गौर से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये टर्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम बिलीव भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर तुम सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के बात करोगे तो पूरे सिस्टम का जब तुम मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो उसका मोमेंटम कितना आएगा? जीरो आएगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के अगर ये ब्लॉक रुकेगा तो इस ब्लॉक को भी रुकना पड़ेगा। किस फ्रेम पे? सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे। ग्राउंड फ्रेम की बात नहीं हो रही है, ग्राउंड फ्रेम में दोनों चल सकते हैं, बट मैं कहां बात कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर ये ब्लॉक रुका यानी कि इसका मोमेंटम जीरो हुआ तो इसको भी रुकना पड़ेगा। किस फ्रेम में? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम में दोनों चल सकता है। समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि आखिर इस चीज का मतलब क्या है। मैं इस चीज को समझाता हूं तुम्हें। जैसे मान लो यार, एक बात बताओ, ये मान लो 2 kg का ब्लॉक है, मान लेते क्या फर्क पड़ता है, ये मान लेते कि यार 1 m/s से भाग रहा है, ठीक है, और इसके साथ एक 1 kg का भी ब्लॉक है, ये दो है ना, ये मान लो कि ये भाग रहा है 4 m/s, मान लेते क्या फर्क पड़ता है। अब मैंने बोला कि बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, तुमने बोला यार सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCOM इज इक्वल्स टू 2 × 1 + 4 × 1 / 3 6/3 यानी कि 2 m/s। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई 2 m/s। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के तुमने इसको देखा, किसको देखा? 2 kg को देखा। जिस पे बैठ के देखते हैं उसकी वेलोसिटी पलट के इसको दे देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, 2 पीछे 1 आगे, तो मुझे सेंटर ऑफ मास पे बैठ के ये मुझे 1 m/s के पीछे भागता हुआ दिखेगा। सिमिलरली इसकी बात करें, इसमें भी 2 पलट के दिए, 4 आगे 2 पीछे, तो ये मुझे कितने से भागता हुआ दिखेगा? ये मुझे भागता हुआ दिखेगा 2 m/s। किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास पे बैठ के जब देखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा सिचुएशन दिखेगा। अब देखो इसका मोमेंटम कितना, 2 × 1 नेगेटिव में, इसका मोमेंटम कितना, 2 × 1 पॉजिटिव, ऐड किया कितना आ गया, 0 आ गया। अब सोचो कि अगर ये रुक गया, सपोज करो ये आगे जाते जाते रुक गया, सपोज करो अगर ये रुका तो इसका मोमेंटम कितना हो गया तुम्हारे रिस्पेक्ट में, तुम्हारे रिस्पेक्ट में अगर ये रुका हुआ है तो इसको भी क्या होगा, इसको भी रुकना पड़ेगा तुम्हारे रिस्पेक्ट में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे बैठ के जब तुम देख रहे हो तो तुम्हें सिस्टम का मोमेंटम को जीरो चाहिए, यानी कि इसका मोमेंटम अगर जीरो है तो इसका भी मोमेंटम को जीरो होना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के। बट अगर मान लो इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, और इसकी वेलोसिटी भी जीरो हो गई, किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास में। बट सेंटर ऑफ मास खुद कितने से जा रहा है? सेंटर ऑफ मास खुद जा रहा है 2 m/s से। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, बट ग्राउंड फ्रेम में क्या ये रुका हुआ है? जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास से जब तुम ग्राउंड फ्रेम में आओगे तो जैसे रिलेटिव में आने के लिए उल्टा करके ऐड करते हैं, रिलेटिव से ग्राउंड में आने के लिए सिंपली ऐड करते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर तुम सिंपली ऐड कर दोगे तो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड में आ जाएगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? 2। अगर मैं 2 इसमें ऐड कर दूं तो देखो 2 - 1 = 1 आ गया। अगर मैं 2 इसमें ऐड कर दूं, 2 + 2 = 4 आ गया। यानी कि सेंटर ऑफ मास से ग्राउंड में आने के लिए सिंपली ऐड करते हैं। अगर ये रुक गया, ये जीरो, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2। नॉर्मली तुमने ऐड किया 2, इसके पास भी 2, यानी कि ग्राउंड फ्रेम में दोनों के पास 2-2 वेलोसिटी है, बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों रुक चुके हैं। ऐसा हो, ये सिचुएशन एक्चुअली क्या बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रिलेटिव हमेशा मोमेंटम सिस्टम का जीरो होता है। अब ये तो मोमेंटम की बात हो गई, अब अपन बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। किसकी? काइनेटिक एनर्जी इन ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होगा? 1/2 m1 वेलोसिटी ऑफ 1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 वेलोसिटी ऑफ 2 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम का स्क्वायर। जोड़ लिए, जब जोड़ोगे कैलकुलेशन करोगे तो ये कुछ बहुत छोटा सा टर्म आएगा, 1/2 m1 m2 बाई m1 + m2 into v1 - v2 का स्क्वायर।
इसको बोल दो वी रिलेटिव का इसको, यानी कि ग्राउंड फ्रेम में एक पे बैठ के दूसरे की वेलोसिटी तुम्हें क्या दिखेगी, रिलेटिव। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ म्यू, म्यू हो गया m1 m2 upon m1 plus m2, v रिलेटिव स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये फॉर्मूला आ गया, जब तुम निकालोगे यहां इसकी वैल्यू डालोगे, इसकी वैल्यू जब दोनों की वैल्यू को जोड़ोगे तो कुछ ये टर्म आ जाएगा, ये v1 minus v2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू बोल दो, या टू विथ रिस्पेक्ट टू वन बोल दो, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है तो माइनस प्लस में तो सेम ही आ जाएगा, कोई लफड़े की बात नहीं है। इसको तुम बोल दो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू ग्राउंड फ्रेम में, वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, तो ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये वेलोसिटी, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दो चीज निकाल ली, इतना डेरिवेशन को थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दो। यूं समझ के चलो कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम जीरो, और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी कितनी, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। ये होता है सेंटर ऑफ मास पे बैठ के, जब तुम उस पे बैठ के दुनिया को देखोगे तो तुम्हें दुनिया कुछ ऐसी दिखेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के ही दुनिया को क्यों देखना चाहता हूं। यार सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों ब्लॉक का मोमेंटम कभी बदलेगा? अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदलेगी? अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर जीरो है, जरा सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, कोई सिस्टम है दो मास का, कोई सिस्टम है आपस में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से किसी टाइम पे ये वी वन से भाग रहा है, ये वी टू से भाग रहा है, ऐसा मान लो ये प्लस चार्ज है निगेटिव चार्ज है, पास आ रहे हैं दूर जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी वी वन है, इसकी वेलोसिटी वी टू है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होगी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, v1 चेंज होगा, हाँ v1 चेंज होगा क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, v2 चेंज होगा, हाँ v2 भी चेंज होगा, v1 भी चेंज होगा, v2 भी चेंज होगा, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और सेंटर ऑफ मास पे बैठ के पूरे सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जीरो दिखेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ के चेंज इन मोमेंटम जीरो है, मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट है। अगर कोई ऐसा फ्रेम पे हम बैठ जाए, जो फ्रेम पे बैठ के जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो, मतलब जो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, हम एक ऐसे फ्रेम पे बैठ जाए जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो हो, जो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, दैट पर्टिकुलर फ्रेम इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम। और न्यूटन का हर वो लॉ, चाहे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ या न्यूटन का नियम लगाओ, न्यूटन का सारा नियम या वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए ही वैलिड होता है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसा सोचा कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा फ्रेम है जो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग में ऐसा आया कि क्या मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम को थोड़ी देर के लिए इनर्शियल फ्रेम कंसीडर कर सकता हूं, यानी कि सारा लॉ इसके ऊपर बैठ के लगा सकता हूं। क्यों लगा सकता हूं? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, और जब भी सिस्टम के ऊपर एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा फ्रेम जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो, दैट फ्रेम इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम, यानी कि न्यूटन का सभी लॉ, वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के एक नई दुनिया हमने बना ली, जिस दुनिया का नाम था सेंटर ऑफ मास फ्रेम। दुनिया में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि दुनिया में क्या है, दुनिया जो हमारी बनी हुई है वो इनर्शियल फ्रेम है, यानी कि हम सारा लॉ लगा सकते हैं। अब आखिर इस फ्रेम को हमने इनर्शियल फ्रेम कंसिडर करके क्या तोप मार दिया? ये समझने वाली बात है कि इनर्शियल फ्रेम को हमने ऐसा कंसिडर करके तोप क्या मार दिया। समझना कि इनर्शियल फ्रेम को हमने क्यों माना है, इस बात को मैं समझाता हूं। वो इसलिए माना है क्योंकि इससे सवाल आसान हो जाता है। तूने बोला ऐसा कैसे सवाल आसान हो जाएगा, मैं दिखाता हूं। अब इन दोनों बातों को बस ध्यान में रखना, एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरा सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जीरो होगा। इन दो बातों को ध्यान में रखना। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आखिर सेंटर ऑफ मास
फ्रेम पे बैठ के तुम्हें क्या क्या फायदा होने वाला है ये ध्यान रखना। ये कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम है, और इनर्शियल फ्रेम पे बैठ के मैं सब लॉ लगा सकता हूँ। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि आखिर क्या फायदा होने वाला है, और फायदे की बात करते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ने का मेन पर्पस तो फायदा ही है, और फायदे की बात करते हैं। देखो, फायदा कुछ ऐसा है कि एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एक सवाल दिया हुआ है, कई बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, कई बच्चों को पता नहीं क्यों इसमें दिक्कतें आती है। स्प्रिंग कांस्टेंट है कि कुछ होगा की वैल्यू अपने को चलो नॉर्मल लगा लेते हैं। ये मान लो 2 kg का ब्लॉक है, ये मान लो 1 kg का ब्लॉक है, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। मैंने बोला यार 2 kg का ब्लॉक जो है वो 1 m/s से जा रहा है, मान लेते हैं, और ये जो 1 kg का ब्लॉक है ये 4 m/s से जा रहा है, मान लेते हैं। मैंने तुमसे पूछा, 4-5 पार्ट पूछ दिया, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 2 kg, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 2 kg, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 1 kg, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 2 kg, 1 kg, 4-5-6 पार्ट पूछ दिया। कन्वेंशनली ये तुम सवाल कर सकते हो, नॉर्मली मेथड से भी तुम ये सवाल कर सकते हो, बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ये सवाल बिल्कुल तुरंत हो जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन की। गौर से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हम बैठे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम के ऊपर, पहले ये सोचो, पहले सेंटर ऑफ मास भूल जाओ, पहले सोचो ग्राउंड फ्रेम में मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा। ऐसे सोचो, इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसकी वेलोसिटी कम, ये 4 से आगे बढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसकी वेलोसिटी कम, तो स्प्रिंग क्या होगा? इलोंगेट होगा, स्प्रिंग इलोंगेट होगा। इलोंगेटेड स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी कमेगी। एक टाइम आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, उसी वक्त स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। कोई शक है इस बात पे? नहीं है ना, क्योंकि इस जब स्प्रिंग खींचेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, 4 से 3 हुई, इसकी बढ़ेगी 1 से 2 हुई, इसकी 3 से 2.5 हुई, इसकी भी 2 से 2.5 हुई, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, उस समय स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। यानी कि जब इलोंगेशन होगा तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ये तो पक्की बात है, दिमाग में बैठा हुआ है, जब इस इलोंगेशन होगा तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अब सुनना मेरा सवाल क्या है, मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के। सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठने के लिए सबसे पहले मैंने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाली, तो वी सी एम जब मैंने निकाला तो वी सी एम बताओ क्या आ गया? वो आ गया 1 × 2 + 4 × 1/3, यह आ गया 2 m/s। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैंने 2 kg को देखा, मैंने 2 kg को देखा, मेरी वेलोसिटी है 2 m/s, 2 m पलट के इसको दिया, मुझे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये 1 m/s से पीछे भागता हुआ दिखा, मुझे 1 kg सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, 2 इधर है, पलट के दिया, 4 में से 2 गया, तो ये मुझे 2 m/s से भागता हुआ दिखा। कहां पे बैठ के? सेंटर ऑफ मास फ्रेम के ऊपर बैठ के। ये सब कुछ सही है, कोई लफड़े की बात नहीं, कोई गम है तो अभी बता दो। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, सोच के जवाब देना, एक बात बताओ, ग्राउंड फ्रेम में जब मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम हो गई। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या हुआ होगा? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या हुआ होगा? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, अब सोचो कि इनके बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, मैं यहां बैठ के देख रहा हूं, ये दूर जा रहा है, स्प्रिंग अंदर खींच रहा है, दूर जा रहा है, स्प्रिंग अंदर खींच रहा है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसका 1-0 हो गया। अगर इसका 1-0 हो गया तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम हमेशा 0 होता है। यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों दूर जाके रुक चुके हैं, उसी समय उसी वक्त जब दोनों जाके रुक चुके हैं, स्प्रिंग में इलोंगेशन मैक्सिमम हो चुका है। कहां बैठ के हमें दिख रहा है ये सब चीज? सेंटर ऑफ मास बैठ के मैं इसको देखा, मैंने देखा वो दूर गया, वहां रुक गया, फिर मैंने उसको देखा वो भी रुक गया, क्योंकि सिस्टम के मोमेंटम को 0 होना पड़ेगा, वो अगर रुका है तो इसको भी। ग्राउंड फ्रेम में ऐसा नहीं हो रहा है, ग्राउंड फ्रेम में ये तो रुक गया, ये भी रुक गया, बट सेंटर ऑफ मास खुद कितने जा रहा है? 2 m/s जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास से जब तुम ग्राउंड में आओगे तो इसकी वेलोसिटी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, यानी ग्राउंड फ्रेम में दोनों के पास इक्वल वेलोसिटी होगी, बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों रुक चुके होंगे। मैक्सिमम इलोंगेशन के टाइम में दोनों के पास इक्वल वेलोसिटी होगी ग्राउंड फ्रेम में, बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों रुक चुके होंगे। पक्की बात है?
अब मुझे निकालना है मैक्सिम इलोंगेशन, मैं लगाता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के। कहां से? सेंटर ऑफ मास बैठ के। आखिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड है। और सबसे अच्छी बात यह है, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो रियल फोर्स होते हैं ना, रियल फोर्स, फ्रेम इंडिपेंडेंट इनका वर्क होता है। मतलब सेंटर ऑफ मास भी इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम में तुम बैठ के वर्क उसका लिख रहे हो, मतलब तुम रियल फोर्स का वर्क लिख रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई बात सुनिए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर्ड, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर्ड। तो चेंज फाइनली जब मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के देख रहा हूं तो दोनों रुक चुके हैं, दोनों रुक चुके हैं। अगर दोनों रुक चुके हैं, दोनों रुक चुके हैं, यानी कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी है ग्राउंड फ्रेम में, तो वी रिलेटिव कितना हो गया? जीरो। मैक्सिमम इलोंगेशन वी रिलेटिव कितना? जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इनिशियल माइनस हाफ म्यू सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सब कुछ लिख रहे हैं, म्यू बोले तो 2 × 1/3 v रिलेटिव का स्क्वायर, ये चार ये एक, v रिलेटिव कितना है? v1 - v2, पलट के दिया चार में से एक गया तो तीन, तीन का स्क्वायर बराबर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। यहां तो एक ही फोर्स है सिस्टम के ऊपर, स्प्रिंग फोर्स जो वर्क किया बराबर माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स मान लिए फाइनली स्प्रिंग में इलोंगेशन, तो स्प्रिंग का वर्क डन माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। एक लाइन सॉल्व करोगे डायरेक्टली एक्स की वैल्यू आएगी। हमने क्या किया? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ के वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी, बस आ गया आंसर, एक्स की वैल्यू आ गई। कन्वेंशन से करो लंबा जाएगा। अब पहला बात तो हो गया, दूसरी बात, अब तुमने बोला ठीक है बहुत बढ़िया, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम कितनी होगी, इसकी मिनिमम कितनी होगी, इसकी मिनिमम कितनी होगी। अब सुनना, हम देख तो रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के, सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे हम बैठ के देख रहे हैं, खुद हम कितने से जा रहे हैं, खुद हम जा रहे हैं 2 m/s से। ये मुझे दिख रहा है 1 सीधर जाता हुआ, ये मुझे दिख रहा है 2 सीधर जाता हुआ। एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब ये यहां जाके रुका, जब ये यहां जाके रुका तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 1 से 0। जब ये यहां जाके, जब ये रुका तो ये भी रुका, इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो गई? 0। ये वापस आया, मुझे दिख रहा है, मैं बैठ के देख रहा हूं, वो दूर जाके रुका फिर वापस आ रहा है, स्प्रिंग उसको खींच रहा है, दोनों को खींच रहा है, वो वापस आ रहा है, ये भी वापस आ रहा है। जब ये वापस इस जगह पे आया तो इसकी वेलोसिटी 1 से पलट के इधर हो गई होगी, जो मुझे दिख रहा होगा, नॉर्मल सी बात है, उधर जाके रुका, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ये, SHM कर रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये SHM कर रहा है, उधर गया रुका वापस आया, वापस आया तो सेम वेलोसिटी 1, लेकिन ये भी जब रुका वापस आया तो इसकी वेलोसिटी कितना? 2। अभी भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों का कंबाइंड मोमेंटम 0। देखो 2 × 1 पॉजिटिव में, 2 × 1 नेगेटिव में, कट के 0। ये सब कहां से बैठ के हो रही है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये ऐसे करके इधर से 1 हो जाएगा, फिर ये 2, अब कंप्रेशन होगा तो ये 2 फिर 0 होगा, फिर ये 0 होगा, ये 1 भी 0 होगा साथ में, फिर 1 पलट के इधर से हो जाएगा 1, और फिर ये 2 पलट के इधर से हो जाएगा 2। 0 से फिर ये 2 और 0 से फिर ये 1, मतलब ये ऐसा कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के। मुझे इसकी वेलोसिटी 1 दिख रही है, कभी इधर वाली 1 दिख रही है, कभी इधर 1 दिख रही है, इसकी कभी मुझे इधर 2 दिख रही है, कभी इधर 2 दिख रही है। जब वो दूर जा रहा है तो 2 से कम रहा है, जब वो पास आ रहा है 0 से बढ़ रहा है, लेकिन मैक्सिमम इसकी इधर की तरफ 2 है, इसकी इधर की तरफ 2 है, इसकी इधर की तरफ 1 है, कभी इधर की तरफ 1 है, मैक्सिमम यही है। लेकिन ये सब मुझे कहां दिख रहा है? सेंटर ऑफ मास से बैठ कर। मैंने तुमसे बोला भाई मेरे 2 kg की मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ ग्राउंड फ्रेम में, कहां पे 2 kg की मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ ग्राउंड फ्रेम में, 2 kg की मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ ग्राउंड में। मैं क्या सोच रहा हूं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में आने के लिए हम सिंपल एडिशन करते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ग्राउंड में आने के लिए हम सिंपल एडिशन करते हैं। मैं खुद जा रहा हूं 2 m/s से इधर की तरफ, अगर मुझे इस ब्लॉक को ग्राउंड में लाना है, ग्राउंड में चेक करना है, तो मैं अपनी वेलोसिटी इसके साथ जोड़ने वाला हूं, मैं अपनी वेलोसिटी इसके साथ जोड़ने वाला हूं। किस इंस्टेंट पे जोड़ूं कि इसकी वेलोसिटी मुझे मैक्सिमम मिले? मैं अपनी वेलोसिटी इससे किस इंस्टेंट पे जोड़ूं कि मुझे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम दिखे? यार ये जब 1 से इधर जा रहा है तब मैं जोड़ूंगा तो 2 - 1 हो जाएगा, यानी कि इसकी मिनिमम वेलोसिटी, भाई 2 में मैक्सिमम कितना घटा सकते हो तुम?
दो इधर एक इधर, मैक्सिमम कितना घटा सकते हो, यानी कि इस वाले ब्लॉक की जो मिनिमम वेलोसिटी होगी 2-1 मीटर पर सेकेंड होगी। लेकिन जब ये वापस आया सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे तुम देख रहे हो तो इधर की तरफ वन है, लेकिन जब मैं ग्राउंड पे आया तो दो में वन ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, और मैक्सिमम दो में वन ही ऐड हो सकता है, क्योंकि जैसे ये आगे जाएगा वन और छोटा होता जाएगा, यानी कि मैक्सिमम दो में कितना ऐड कर सकते हो, यानी कि इस वाले ब्लॉक की ग्राउंड फ्रेम में मैक्सिमम वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। पहला पार्ट खत्म, इसकी बात करो तुम दो से जा रहे हो, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये दो से तुम्हें दिख रहा है, अगर तुम नॉर्मली अगर तुम इसमें अपना ऐड किए मैक्सिमम कितना ऐड कर सकते हो भाई, ये आगे जाएगा तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दो से ये एक होगा, ग्राउंड में आने के लिए एक प्लस दो करोगे तीन ही हुआ, मैक्सिमम तुम दो में दो ही ऐड कर सकते हो भाई, दो में बाकी तो कमी होगा, दो में दो ऐड किया तो इसकी जो वी मैक्स आ गई 2+2। लेकिन जब ये आगे जाके वापस आया, अब इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इधर है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर है, यानी कि ग्राउंड में आने के लिए तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, मैक्सिमम तुम इससे कितना माइनस कर सकते हो, आगे दो जा रहा है पलट के दो आया, यानी कि मैक्सिमम तुम इसमें 2-2, यानी कि इसकी मिनिमम वेलोसिटी 0 होगी, खत्म हो गया सवाल, 6 पार्ट 6 का 6 समाप्त। ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम का यूज है, आगे और यूज बताऊं यार टाइम बहुत लगता है, चलो ठीक है एक आख सवाल और करते आओ 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 करते आओ आओ कभी हवेली पे आओ। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक सवाल तो ये हो गया, समझ में आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और वीडियो को शेयर और लाइक करना, तभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा, याद रखना इस बात को। स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर दूसरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कई बार एक सवाल ऐसा आता है, लंबा सा प्लैंक होता है एक ब्लॉक को स्मॉल एम और ये कैपिटल एम, यहाँ पे वेलोसिटी वी दी जाती है और पूछा जाता है कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, बट कंसीडर किया जाए इसको हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करेंगे कैसे, जरा सुनो, हमने बोला कि अभी इसकी वेलोसिटी वी है, जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसकी और इसकी वेलोसिटी सेम होगी। तुमने बोला ऐसा क्यों भाई, जब ये ऊपर चढ़ेगा तो इसको दाबेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, मान लो इसके पास अभी भी ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी बची है तो ये ऊपर चला जाएगा, और तो मैक्सिमम हाइट पे दोनों की वेलोसिटी को सेम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साथ, अगर इसकी कम इसकी जा तो कॉन्टैक्ट छूट गया, इसकी कम इसकी जा तो फिर कॉन्टैक्ट बना हुआ है, यानी कि अगर दोनों चिपक के चल रहे हैं ये तो नॉर्मल के लॉन्ग दोनों की वेलोसिटी को सेम होना पड़ेगा, और मैक्सिमम हाइट पे इसका कोई ऊपर की तरफ कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट होता तो ये और ऊपर जाता, बट हमने क्या बोला कि फाइंड मैक्सिमम हाइट, यानी कि इस हाइट पे इसके पास दोनों की वेलोसिटी सेम है, हम किससे सॉल्व करेंगे इसको, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, फाइनल दोनों की वेलोसिटी सेम, वी रिलेटिव कितना 0, फाइनल काइनेटिक रिलेटिव 0 सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, इनिशियल इसके पास वी, इसके पास कुछ भी नहीं, यानी कि वी रिलेटिव मेरा वी है -1/2 mm/m वी रिलेटिव मतलब v-0 मतलब v² बराबर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कौन फोर्स है यहां पे, रियल फोर्स की बात करनी है अपने को, रियल फोर्स कौन है यहां पे, एक ही फोर्स रियल है वो है mgh, भाई ये h हाइट गया mg ही तो वर्क, रियल फोर्स का वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता, यानी कि दैट इज इक्वल्स टू h हाइट गया तो mg का वर्क माइनस के साथ, माइनस ऊपर जा रहा है mg नीचे लग रहा है, सीधा यहां से तुम्हें एच निकालो, अरे भाई ऐसा खूबसूरत सवाल, हालत खराब हो जाएगा अगर तुम कन्वेंशनल मेथड से करने जाओ इसको, तो आंसर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से खलास, तुम बोला ये सवाल, एक और सवाल दूं चलो एक और देता हूं, आखिरी है बस, करने का तुम्हें पूरा दिन लगा दो इसमें, बट इतना नहीं कर टाइम नहीं है, आओ अगले सवाल की बात करते हैं, ये सवाल तुम लोग का देख के आत्मा प्रसन्न हो जाएगा, आओ देखो कोलिजन की बात करते हैं, अब कोलिजन को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे डील किया जाए, तुमने बोला कोलिजन भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, बिल्कुल कोलिजन को भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से डील किया जा सकता है, जैसे मान लो मैंने क्या बोला, ये है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, नाम तो सुना होगा इस, ये m1 है ये m2 है, इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2, मान लेते हैं हुआ ये कोलिजन के टाइम में जो भी फोर्स लग रहा होता है वो तो इंटरनल फोर्स होता है, यानी कि कोई टेंशन की बात नहीं है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के सारा सवाल किया जा सकता है, अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के अगर हम सवाल करना चाहते हैं
तो मैंने क्या बोला, हम लॉस पता, क्या पूछा मैंने, फाइंड लॉस। अब मुझे ये बताओ लॉस किसने किया, आखिर ये लॉस किसने किया, किसी ना किसी फोर्स ने किया, कौन सा फोर्स, तो मेरा लॉस किसने किया। जब ये टकरा रहे थे तो आपस में जो अंदर में जो इंटरनल फोर्सेस था, फ्रिक्शन फोर्स बोल दो, ये टकराने के टाइम में जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगा दोनों के बीच में, वही फोर्स लॉस किया। यानी कि वो जो फोर्स है वो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी को कम करने की कोशिश किया है। टकराने के बाद कुछ ऐसा हुआ, मैं लेके चल रहा हूँ कि यू1 बड़ा है यू2 से, बहुत लोग बोलेंगे कि सर यू1 छोटा भी हो सकता है, टकराएगा ही नहीं, यू1 बड़ा है यू2 से। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। हमने बोला कि कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन e है, e की वैल्यू 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अगर 1 के अलावा e की वैल्यू कुछ भी है तो लॉस होगा। हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के। मैंने बोला फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ म्यू v रिलेटिव, बोले तो v2 माइनस v1 का स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था हाफ म्यू u1 माइनस u2 का स्क्वायर, हाफ म्यू, इसको ऐसे लिख रहा हूं देखो, हाफ म्यू v रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ म्यू v रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर बराबर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब सुनना मेरी बात गौर से, जब ये टकरा रहे हैं तो कौन सा फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स, जो कि फ्रिक्शन नॉर्मल यही सब होगा। ये सारे फोर्स का जो वर्क डन होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किया होगा, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल फोर्स जो इनके बीच में लग रहा है। हमें नहीं पता कौन सा फोर्स लग रहा है, लेकिन हमें पता है ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है वो यही फोर्स तो किया होगा। समझना चीजों को, मैं समझा रहा हूं, थोड़ा देर रुक जाओ। हाफ म्यू कॉमन ले लिया, v रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर माइनस u रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर, इसको u कर दो बेटर रहेगा, बराबर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बिटवीन कोलिजन। v रिलेटिव फाइनल को क्या लिख सकते हो, जैसे e क्या होता है, माइनस v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि मैंने आगे माइनस लगा दिया तो u2 माइनस u1, ये होता है v। ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ v रिलेटिव फाइनल और ये लिखा हुआ v रिलेटिव इनिशियल, यानी कि e टाइम्स ऑफ u रिलेटिव इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ v रिलेटिव। इसको यहां यूज करो तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, हाफ म्यू v रिलेटिव फाइनल क्या लिख दोगे, e टाइम्स ऑफ u रिलेटिव, स्क्वायर किया माइनस माइनस प्लस हो गया, ये e स्क्वायर आ गया, u रिलेटिव आ गया, यहां पे u रिलेटिव है, माइनस वन लिए और यू रिलेटिव स्क्वायर को बाहर लगा दिए, बराबर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। मेरी सुनना गौर से बात, यानी कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जो भी फोर्स का वर्क है वो ड्यूरिंग कोलिजन ही हुआ है, बाकी कभी नहीं हुआ, ड्यूरिंग कोलिजन ही हुआ है, बराबर हाफ म्यू, म्यू है ये म्यू, म्यू बोले तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 यू रिलेटिव का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आ गया। ऑल फोर्सेस में नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वही तो लॉस हुआ। अरे भाई दोनों के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा, जो डिफॉर्मेशन फोर्स लगा होगा, वही तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया, यानी कि वही तो लॉस है, यही तो लॉस लिखा हुआ है यार। लॉस क्या हुआ, मान लो मैं फ्रिक्शन हूं, मेरे ऊपर कोई स्लिप कर रहा है तो मैंने उस पर कितना वर्क किया, जितना फ्रिक्शन ने उसके ऊपर वर्क किया, यानी कि मैंने लॉस कितना किया, जितना मैंने वर्क किया उतना ही उसका लॉस हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर वो लॉस कर रहा है, जितना वो वर्क कर रहा है वही लॉस कर रहा है, यानी कि जब दो बॉल टकरा रहे हैं दोनों के बीच फोर्स लग रहा है वो इसके काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर रहा है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर रहा है, और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अगर लॉस हो रही है, अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है तो वो जो लॉस है वही तो है वर्क डन बाय फोर्स, जो मैं वर्क कर रहा हूं, जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है वही तो लॉस है। सिंपल फॉर्मूला देखो, कितना पावरफुल फॉर्मूला मैं दिखाता हूं। मैंने बोला 1 kg जा रहा है 4 m/s से, मैंने बोला 2 kg जा रहा है 2 m/s से, मैंने बोला e की वैल्यू है 1/2, मैंने पूछ दिया फाइनल लॉस इन द कोलिजन, तुम निकालोगे फाइनल वेलोसिटी इन दोनों का, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की निकालोगे, माइनस करोगे तो लॉस आएगा, मैं एक लाइन लिखूंगा और मेरा लॉस आ जाएगा, लॉस इज इक्वल टू हाफ म्यू, म्यू बोले तो 2 × 1 / 2 + 1 = 3 यू रिलेटिव, ये 4 ये 2 यानी कि 2 4 - 2
वन माइनस ई स्क्वायर, वन बाई टू का स्क्वायर कट गया चार बटा तीन, देख लेना कैलकुलेशन देख लेना बस, चार बटा तीन, वन माइनस वन बाई फोर यानी कि थ्री बाई फोर, देख लेना कैलकुलेशन, वन जूल। तुरंत विद इन सेकेंड तुम क्या करोगे, तुम फाइनल इसकी वेलोसिटी निकालोगे, फिर इसकी वेलोसिटी निकालोगे, फिर दोनों की वेलोसिटी निकालने के बाद तुम इस सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी थोड़ा और सीधा लॉस लगाऊंगा, सीधा आंसर आ जाएगा। तुम्हारा 5 मिनट लेगा, मेरा 30 सेकंड लेगा, डिफरेंस देख लो। ये पावरफुल टूल होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। कई सवाल बनते हैं बट इतना नहीं करवा सकता, जैसे कि कुछ सवाल ऐसे ही बनते हैं, चलो मैं हिंट देता हूँ बट मैं करवाऊंगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ मैं करवाऊंगा नहीं। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, ये M1 मान लो, ये M2 मान लो, मैंने बोला इधर की तरफ 2F फोर्स लगा दिए, इधर की तरफ F फोर्स लगा दिए, बताओ मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन। इस तरह के सवाल एस सी वी में तुम्हें दिए होंगे, एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल देखो एस सी वी का, या लास्ट के कुछ क्वेश्चन देखो, उसमें इस तरह के फोर्स है, ये भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के ही होता है। बट चलो कभी टाइम मिला तो बता देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, तभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। ऐप